से के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां एलईडी बल्ब कंपनी में आग लग गई है। आग लगने से मचा हड़कंप, कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। सिडकुल के सेक्टर 6A का मामला, आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। आग लगने से हजारों रुपए के नुकसान के होने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता दें, एलईडी क्लब कंपनी में, माफ कीजिएगा, एलईडी बल्ब कंपनी में लगी आग। आग लगने से मच रहा हड़कंप, कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल। हरिद्वार से है ये खबर, जहां एलईडी बल्ब कंपनी में आग लग गई है और आग लगने से हड़कंप मच गया है, कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है। सिडकुल के सेक्टर 6A का मामला बताया जा रहा है और आग लगने के कारण अभी तक अज्ञात है। खबर आ रही है कि आग लगने से हजारों रुपए के नुकसान होने की आशंका है। चलिए इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश हरीश तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेश, बताइए कि कैसे ये घटना हुई और कितने लोगों को नुकसान हुआ है, और जो अंदर कर्मचारी थे उन्हें निकालने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि हरिद्वार जो में एक एलईडी कंपनी थी जिसमें जहां आग लगी, प्लांट में कंपनी इसमें ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि अभी फैक्ट्री स्वामी है, उनको उनके द्वारा बताया नहीं गया कि कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल नुकसान का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। इस दौरान कर्मचारियों में दमकल विभाग मौके पर जो टीम पहुंची थी, उन्होंने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। रानीपुर और मायापुर से दमकल कई गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने लगातार आग पर काबू पाया। काफी देर तक यहाँ पर आदमी का धुआं नजर आ रहा है और फिलहाल जाकर देखा जाए तो आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन कंपनी में उसमें मौजूद जो कर्मचारी थे उनको भी उतर बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की खबर यहाँ पर नहीं मिल रही है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो आग की ठीक ठाक इस पर काबू पा लिया गया। फिलहाल जी हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी, हम देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी, कितना धुआं निकल रहा है, और ज्यादा नुकसान की आशंका तो नहीं, क्योंकि हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि सारी बिल्डिंगें हैं जो एक दूसरे से अटैच है, तो किसी तरह की ज्यादा जनहानि या माल हानि तो नहीं हुई है? लगी कई और कंपनियां भी थी, लेकिन कुशल वाली बात यह है कि और कंपनियों में आग नहीं पहुंची और दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। इसके बाद जो है अब कंपनी स्वामी जो है थोड़ी देर में बता पाएंगे कि उनको नुकसान हुआ है, तो उस सर्किट से आग लगी है इसका बताया जा रहा है। और बाकी दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं, फिलहाल अभी थोड़ी देर में बता पाएंगे कि किस तरह से कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। अभी तक जैसे हम देखते आए हैं कि लगातार इस तरह की जो कंपनियां हैं उनमें शॉर्ट सर्किट के मामले से आग लगती आई है जी। और क्योंकि एलईडी बल्ब की कंपनी है तो नुकसान भी, यहाँ पर जो आग होगी बड़ी ही तेजी से फैली होगी। यहाँ पर शासन प्रशासन का क्या रोल है? पुलिस क्या यहाँ पर पहुंची और प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचे मौके पर? इसको देखिए, प्रशासन ने बहुत बड़ी एक चूक होने से यहाँ पर साहस दिखाया। जिस तरह से लगातार आग की लपटें उठ रही थी, वो लग रहा था कि बहुत तेजी से आग फैलेगी, लेकिन इसमें दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तीन तीन जगह से लगातार यहाँ पर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अब देखा जाए तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रशासन की प्रशासन टीम भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो प्रशासन ने बहुत आग पर काबू पाने में कामयाब हासिल किए थे जी। तो कुल जमा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया और जल्द ही आग पर पूरा काबू पा लिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको बताई थी हरिद्वार से, जहां एलईडी बल्ब में बल्कि बल्ब की कंपनी में जो है भीषण आग लगी है।